गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, टुडे वी विल डू सम मोर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फ्रॉम असाइनमेंट। फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर एंड एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर का। क्यू आर की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नाउ एट आर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करके उसका बाइसेक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट आर। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है बिकॉज वी नीड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो बाइसेक्ट दिस एंगल तो गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। This is 45 degrees. Now, taking R as a radius, or taking R as a center and radius is equal to 7.8 centimeter, draw an arc on RX, 7.8 centimeter आपने radius open कर लेना और एक R लगा देना, ठीक है? Such that it meets RX at point P. At point P. Clear? Now join PQ. Therefore PQR is a required triangle. Clear? Hence triangle PQR be the required triangle. मैं एक बार और आपको ये सारे steps repeat कर देता हूं। First draw QR is equal to 6.5 centimeter. At R, construct an angle of QRX is equal to 45 degree. Because angle R कितना given है आपका 45 degree. इसलिए हमने R पे construct किया angle QRX is equal to 45 degree. Now, taking R as a center and radius is equal to 7.8 centimeter, draw an arc on RX such that it meets RX at point P. Next step, join PQ. Therefore, PQR will be the required triangle. Clear? Okay, what are next is question number 19. Construct triangle ABC where AB is equal to 5.9 centimeter, angle A is equal to 40 degree, angle C is equal to 30 degree. अब देखिए बच्चा इस क्वेश्चन में क्या है कि दो एंगल्स दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल होती है जब वो साइड जो है दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड हो। क्लियर? बट दिस साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द गिवन टू एंगल्स। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर ये साइड अगर यहां पे होती तो हम इजीली 40 डिग्री और 30 डिग्री का पहले ए बी या ए सी ड्रॉ करके हम ए और एंगल सी वहां पे कंस्ट्रक्ट कर देते। बट यहां पे क्या गिवन है, एंगल ए और एंगल सी और लेंथ कौन सी गिवन है, ए बी। तो इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट किस एंगल की है, एंगल बी। क्लियर? तो अगर यहाँ पे एंगल बी आपको गिवन नहीं है तो आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल बी फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एंगल बी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी हमें पता नहीं है, सी है 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 30 70, तो एंगल बी कितना आ गया 180 माइनस 70 एंड दिस इज इक्वल टू 110। क्लियर। अब 110 डिग्री का एंगल भी किससे ड्रॉ होता है? यस, प्रोटेक्टर से। कंपास से ये ड्रॉ नहीं होता, तो हम इसको किससे ड्रॉ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। नाउ एट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। एट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, और 40 डिग्री का भी हम किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। राइट। और बी के हम कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे? 110 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 40 डिग्री, एंड दिस इज एन एंगल ऑफ 110। क्लियर। तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। एट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री सच दैट ए एक्स एंड बी वाई मीट एट पॉइंट सी। मीट एट पॉइंट सी, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल पी टी वेयर एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी टी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर एंड एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए इसमें भी क्या, इस कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो पी टी की लेंथ दी हुई है 8.7 सेंटीमीटर और एंगल पी दिया है 50 डिग्री और एंगल एल दिया हुआ है 90 डिग्री। इसका मतलब इस ट्राइंगल में भी जो है आपकी एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल पी और एंगल एल दिए हुए हैं। अगर एंगल टी दिया होता तो हम यहाँ पे इजीली पी टी ड्रॉ करके एंगल पी और एंगल टी ड्रॉ करके वो कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे अगेन हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल टी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी कितना दिया है 50 डिग्री, टी हमने फाइंड आउट करना है, एल हमने दिया है 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 50 प्लस 90 140, तो एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पी टी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। पी टी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। नाउ एट पी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल भी जो हम किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। क्लियर।
एंड एट टी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ये एंगल आ गया आपका 50 डिग्री, एंगल टी इज 40 डिग्री, देन एंगल एल विल बी इक्वल टू 90। क्लियर? तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पीटी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर? एट टी कंस्ट्रक्ट एन एंगल टी पी एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, एट टी कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी टी वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री सच दैट पी एक्स एंड टी वाई मीट एट पॉइंट एफ। क्लियर? देयर फोर एल पी टी इज द रिक्वायर्ड ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। क्लियर? अब ये जो सम है ये भी एक्स्ट्रा सम है फ्रॉम चैप्टर का ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो अब देखिए बेटा इस फिगर में क्या है, अगर आपको ये सिंबल यूज किया हो और मेंशन ना किया हो कि ये ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सिंबल आपको देखकर जो है साइन देखकर आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये लाइन्स क्या है पैरेलल है। क्लियर? तो अब इस फिगर में से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब देखिए ये दो मैंने एरो लगाए हुए हैं, एक AB पे और एक BC पे। क्लियर? इट मींस AB इज पैरेलल टू BC। क्लियर? जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये देखिए ये z बन रहा है z, ये इट मींस x एंड 30 डिग्री इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? और लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे सेम। क्लियर? सिंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन क्या देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट? उसके बाद देखिए ये पूरा एंगल जो है ये इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी This angle is exterior. Clear? Then we can use exterior angle property to find the value of y. Clear? So by exterior angle property of triangle, angle A plus angle B is equal to 100 degree. Right? अब ए की मेजरमेंट आपको दी हुई है 30 डिग्री, यहां पे पुट कर दीजिए 30 डिग्री प्लस बी क्या है वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 100। राइट? सो वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 7। क्लियर? हेंस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर? सो दिस इज वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए इस फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और यहां पे क्या क्या गिवन है, एंगल ए जो है 60 डिग्री है और एंगल बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एंगल वन मार्क कर देंगे। क्लियर? अब देखिए एंगल वन एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स with a pair of vertically opposite angles and we know that pair of vertically opposite angles are always equal to each other. Clear? So from figure angle 1 is equal to 50 degree because of vertically opposite angles. Clear? जब ये एंगल आपका 50 डिग्री आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इन ट्राइंगल ए बी सी आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल
60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180. क्लियर? नाउ 60 प्लस 50 110, सो इट बिकम्स एक्स प्लस 110 एंड दिस इज इक्वल टू 180. सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 एंड दिस इज इक्वल टू 70. क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70. तो एक एंगल आ गया हमारे पास अननोन एंगल. सेकेंड है y. अब देखिए इस फिगर में जो y है दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. क्लियर? एंगल ए सी डी विद एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर वी कैन यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. क्लियर? सो अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. राइट? अभी इसकी मेजरमेंट क्या दी हुई है, वाई, एंड एंगल ए कितना है 60 डिग्री और एंगल बी क्या है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 70 डिग्री. क्लियर? सो वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री एंड 60 प्लस 70 139. क्लियर? हेंस एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 139. क्लियर? और देखिए बेटा वाई की जो वैल्यू है आप लीनियर पेयर यूज करके भी वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते. क्लियर? लीनियर पेयर, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यूज करनी है. यू कैन यूज लीनियर पेयर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट.